So, good morning everyone. Once again, I'm Priya Upadhyay. Welcome you all to the official leader channel of Arrow 24/7. एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं Arrow 24/7 के ऑफिशियल लीडर चैनल पे से स्टूडेंट्स. दिस टाइम आई एम बैक विद अनदर सेशन एंड विद अनदर मैराथन. आपको पता है कि टुडे संडे एंड यूजुअली ऑन ईच संडे वी आर डूइंग एटलीस्ट वन मैराथन, एटलीस्ट वन आवर ऑफ मैराथन, राइट? तो अभी इंग्लिश की है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरा मतलब आपके आप कैट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर कंप्लीट मैराथन पैकेज आपको यहाँ पे मिलेगा. पहली बात तो ये. दूसरी चीज़ की सब लोग मैराथन के लिए फटाफट से एकदम जल्दी से रेडी हो जाओ यार. सब लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है, पहली चीज़. और जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो. मतलब ये जो शेयरिंग लाइकिंग है वो इतनी कम तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, है ना? इतनी कम तो मतलब कभी भी नहीं होनी चाहिए. तो फटाफट से जल्दी से प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, है ना? बाकी आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज माय रेगुलर स्केड्यूल. आपको मेरी क्लास जो है वो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे मिल जाएगी यहाँ पे एफ कैट के लिए डिफेंस अटैक के सेशन पे चैनल पे. उसके बाद मंडे वेंसडे और फ्राइडे, मतलब ये 9 AM वाली क्लास डेली होती है, ये जो क्लास है मंडे वेंसडे फ्राइडे को होगी, ठीक है? और ये क्लासेस आपको सीरियस के लिए मिल जाएंगे. बट ऐसा नहीं है कि सीरियस वाले सुबह नहीं आ सकते और आप कैट वाले इस टाइम पे भी ना आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी स्टूडेंट कभी भी ज्वाइन करे यार, दोनों सेशंस जो हैं वो सारे के सारे आपके डिफेंस एग्जाम्स एग्जाम ओरिएंटेड ही है. तो चलो बाकी बातें बाद में होंगी और अब सेशन को फटाफट से जल्दी से एकदम आगे बढ़ाया जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो अच्छा, आज मैं कराने क्या वाली हूँ, आज के सेशन में आपको प्रीवियस ईयर के काफी सारे में ईडियम फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स लेकर के आई हूँ. तो इफ़ यू हैवेंट ज्वाइंड येट, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज सेशन को इसको ज्वाइन करिए, प्रीवियस पेपर्स को भी देखिए, ठीक है? जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके, ठीक है? चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टुडे इज दिस. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. क्या है भाई पहला क्वेश्चन, क्या है ये? टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग, क्या होती है? टू गेन प्रोमिनेंस, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंस वैल्यू गेन करना, ठीक है? उसके बाद में टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही तारीफ करते रहना. टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, मतलब ठीक है जो है मन में वो कन्फेस कर दिया आपने. टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, कोई चीज आगे बढ़े, है ना, ब्लूम मतलब क्या, सक्सेस करना, उसके पहले उसको खराब कर दिया, या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताइएगा और जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए या क्या हो जाएगा. नो आइडिया, नहीं. चलो वेरी गुड, ठीक है, राइट. द करेक्ट आंसर इज सी, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, है ना. टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब जो है मन में वो अपने सही सही सा जो भी था कन्फेस, अपने बात को, अपनी बात को आपने रख दिया, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस, ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव पुट वेरी गॉडी बैकग्राउंड, हाँ, टुडेज बैकग्राउंड इज वेरी मच गॉडी, ठीक है. गॉडी की जरा सा वोकैबुलरी की मीनिंग तो बताओ. देखो यहाँ पे एक वोकैबुलरी निकल के आ रही है, गॉडी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गॉडी? गॉडी का मतलब क्या होता है? टू कीप वंस टेम्पर, इसका मतलब क्या होता है? To keep one's temper, to become hungry, बहुत भूखे हो जाना, to be in good mood, बहुत अच्छे mood में होना, to preserve one's energy, है ना, अपनी energy को बचाए रखना, to be aloof from them, दुनिया से एकदम परे, क्या हो जाएगा? या none of these. To keep one's temper, what will be the correct meaning of this particular phrase or idiom? क्या होगा इसमें? इजी सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है.
ए बी ए बी सी डी हैं सारे आंसर्स मैम, कोई ना कोई तो एक होगा ही। अच्छा बताओ, व्हाट यू डिड यस्टरडे, मतलब क्रिसमस में तुम लोगों ने क्या किया, कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा। बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस ट्री की फोटोज ऑलरेडी अपलोड कर दी है ना। मेरे पास तो वो सेंटा क्लॉस वाली कैप नहीं है, वरना तो मैं वही पहन के पढ़ाने वाली थी पूरे टाइम, कल भी आज भी। ठीक है, तो मेरे को बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। नो आइडिया। ओके राइट, आ जाओ देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। टू कीप वंस टेम्पर मतलब क्या, टू बी इन गुड टेम्पर मतलब क्या, रिलेटेड टू द टेम्परमेंट है ना, तुम्हारे मिजाज से रिलेटेड है, कुछ ऐसी कोई चीज जो तुम्हारे मिजाज से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर आपको अपना टेम्परमेंट अच्छा रखना है, मतलब आपको अपने अच्छे मूड में रहना पड़ेगा है ना, तो क्या उसका क्या हो जाएगा, टू बी टू कीप वंस टेम्पर मतलब क्या कि अच्छे मूड में अच्छे मिजाज में होना, तुम्हारे जो मिजाज है हाल है वो भी अच्छे हैं। ठीक है, हाँ राइट राइट राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, टू कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज दिस, ये बताओ टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर इज व्हाट, ये क्या होता है, टू कैच अ टार्टर इज व्हाट। जल्दी से बताओ फटाफट से। ओके टू ट्रैप वॉन्टेड क्रिमिनल विथ ग्रेट डिफिकल्टी है ना, मतलब एक ऐसे कैदी को पकड़ लेना जो बड़ा ही वॉन्टेड है, जिसको लोग अभी तक जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी थी। ठीक है, पर डॉन को पकड़ना तो नामुमकिन है, ऐसे डॉन को तुमने पकड़ लिया। या फिर टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी बड़े खतरनाक व्यक्ति को तुमने पकड़ लिया। टू मीट विद डिजास्टर, तुम्हारा सामना जो है वो एक डिजास्टर से हो गया। हाँ, या फिर मैंने बोला आपसे टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच है ना, ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना जो यू नो हु इज मोर देन, जो एक से ज्यादा लोगों की तरह, कई लोगों का फेस बड़ा ही रिजेंबल्ड टाइप का नहीं लगता, लगता है कि देखा है, नहीं देखा देखा सा फेस है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलोगे, या ये आप मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए फटाफट से, इट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। नो आइडिया। ओके चलो ठीक है, जबरदस्त भाई। टू बी अ टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी टार्टर तार तार कर देना, इतने भयंकर इंसान को पकड़ा कि हमारी हिम्मत जो है वो तार तार हो गई, टूट गई, मतलब ऐसे करके याद कर लो, ये याद करने का तरीका है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो आपका हो गया। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट इज दिस, टू ड्राइव होम, चलो घर चले, क्या हो जाएगा इसका, चलो चलो घर चले। टू फाइंड वंस रूट, जहां के तुम हो वहां की तुम्हें, तुमने वहां की रूट पा ली है ना, मतलब जहां के वो जहां से बिलोंग करते हो वो जगह यू हैव रीच्ड। या फिर मैंने आपसे बोल दिया कि आई सेड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां से आए थे वहीं चले गए तुम। ठीक है, फिर उसके बाद में टू एम्फेसाइज बहुत हाईलाइट करना, या रिटर्न टू अ प्लेस ऑफ रेस्ट, जहाँ राहत आराम करे थे वहीं चले गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये आप मुझे बताओगे। चलो
टू एम्फसाइज, टू ड्राइव होम, मतलब सीधे एम्फसाइज ना, हाईलाइट करना, सीधे घर की जो दिशा है वो मैंने एम्फसाइज कर रखी है, ऐसे ही याद करने का तरीका होता है बस, ठीक है? इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट दिस इज द वे ऑफ यू नो टू रिमेम्बर सर्टेन वर्ड्स। चले बताओ, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, ये क्या हो जाएगा? टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, इसको ये सब देखो, ये सब के सब आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड वर्ड्स ही हैं, ठीक है? टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड क्या होगा? अ प्राइवेट एंड टू सर्व, या फिर टू फील अराउज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जगाने में असमर्थ रहना, कोई कोई परिणाम ना आना, या फिर टू वर्क फॉर बोथ साइड, दोनों जगहों के लिए, दोनों तरफ के लिए काम करना, या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, राइट, आ जाओ। टू हैव एन एक्स टू ग्रिन मतलब आप प्राइवेट एंड टू सर, ठीक है? हाँ, अपना कोई प्राइवेट मुद्दा होना वहां पे, अपनी कोई पर्सनल कॉलिंग, ठीक है? टू टू क्राई वुल्फ मतलब क्या हो जाएगा? टू लिसन ईगरली, बहुत ही ध्यान से सुनना, या फिर टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठी अलार्म, या कहते हैं हल्ला, झूठा हल्ला मचा देना, टू टर्न पेल, एकदम पीले पड़ जाना, या टू कीप ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है एकदम भूखा, ठीक है? क्या हो जाएगा इसमें? क्या होगा बताओ? राइट, ए बी सी डी क्या होगा? देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम पढ़ो चलेगा, बट कम प्रैक्टिस मत करो, है ना? मैं आप देखो, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाती हूँ, कभी आपको नहीं पढ़ाती, क्यों? क्योंकि दैट वोंट मेक एनी सेंस इफ यू आर नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है? आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं यार, और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते चलिए, और अल्टीमेटली यू विल एंडिंग अप समथिंग गुड, ओके? मैं बताऊं? चलो सही है, आ जाओ। टू क्राई वुल्फ मतलब क्या? टू गिव फॉल्स अलार्म, है ना? फॉल्स अलार्म मतलब झूठी गुहारे देना, झूठी झूठा अल्लाह मचाना बैठ करके। भेड़िया आया जब आया तो किसी ने माना ही नहीं कि भेड़िया आ गया। टू एंड इन स्को टू एंड इन स्मोक मतलब क्या? क्या हो जाएगा इसका? टू एंड इन स्मोक क्या हो जाएगा इसमें? टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कोई चीज पूरी तरीके से समझ जाना, टू रुइन वन सेल्फ, अपने आप को एकदम बर्बाद कर देना, टू एक्साइटेड ग्रेट अपलॉज, टू एक्साइट ग्रेट अपलॉज, बहुत ज्यादा तारीफें, अपलॉज है, अप्रिसिएशन, टू ओवरकम समवन, किसी से अब तुम उभर चुके हो, क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? ओके, ठीक है, राइट,
टू रुइन वर्स टू एंड इन स्मोक, धुआं धुआं हो गए। कोई स्मोक सिगरेट से याद रखना, कोई सिगरेट पिएगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा, अपने आप को ही रुइन करेगा, अपने आप को ही खराब करेगा। तो दैट इज टू रुइन वन सेल्फ इज एंड इन स्मोक। ठीक है, ये बताओ इसमें क्या हो जाएगा। आगे नहीं हुआ क्या? ओ सेम ही दो बार आ गया है, कोई नहीं। टू बी अबव बोर्ड ये क्या है? टू बी अबव बोर्ड ये क्या चीज है? जल्दी से बताओ। What will be the correct answer? Okay. Right, to be above board. To be above board मतलब क्या? कि to be honest in any business deal, कोई भी business bold deal हो, ठीक है, उन सब में तुम क्या रहोगे? Honest तो रहोगे, ठीक है? ये बताओ, to put उश तुमने तो आंसर ही देख लिया है। टू पुट वंस हैंड टू प्लो मतलब क्या? टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। अब तुमने कुल्हाड़ा अपने हाथ में ले लिया, तुमने डिफिकल्ट टास्क जो है वो अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। चलिए बताओ, टू पिक होल्स इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? टू फाइंड सम रीजन टू क्वारल, लड़ने का कोई बहाना ढूंढना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग कोई चीज तबाह कर देना। टू क्रिटिसाइज समवन किसी की आलोचना करना। टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइडिया मतलब कुछ आइडिया जो है अपने उसको हटा दिया आपने, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। क्या होगा इसका फटाफट से? नो आइडिया। चलो राइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू पिक होल्स मतलब कमियां उठाना, मतलब कि कमियां निकालना। क्रिटिसाइज समन आलोचना ही करते रहते हो किसी की, ठीक है? ये क्या हो जाएगा भाई? टू लीव समवन इन द लर्च। टू लीव समवन इन द लर्च मतलब क्या? टू कम टू कॉम्प्रोमाइज विद समवन, किसी के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है? या फिर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस टू समवन, किसी को एकदम निरंतर एनॉय करते रहना। टू पुट समवन एट ईज, किसी को एकदम थोड़ा रिलैक्स कर देना। टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, है ना, अपनी डिफिकल्टीज में तुमने किसी की डिफिकल्टी में उसको तुमने डिजर्ट मतलब अकेले छोड़ दिया, ठीक है, उसकी मुसीबत में। तो क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताओ, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ क्या होगा फटाफट से, ए बी सी डी, जल्दी से देखो। जब सब छुट्टी मना रहे हैं तो वी आर टीचिंग यू, है ना, हम सब आपको मिलके पढ़ा रहे हैं, तो यार ये तो गलत बात है। सेशन शेयर भी ना हो इतने में तो क्या फायदा, मतलब डू शेयर द सेशन, डू लाइक द सेशन, सेशन को शेयर और लाइक करते रहो जल्दी जल्दी से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से बताइए। नो आइडिया, ओके। चलो देखो, टू लीव समवन, लीव मतलब ही क्या, छोड़ देना, सो टू डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। चलो, टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल मतलब क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, मतलब एक्चुअली में इसको कहते हैं ना रट लो, याद कर लो, तो उसको याद ही कर लो। टू बी हैप्पी, खुश रहना, चेयरफुल रहना या हेल्दी रहना। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वंस सीनियर, है ना, किसी बड़े की जो इंपॉर्टेंस है उसको कम कर देना। टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के रोल को या व्यू को क्या करना, सपोर्ट करना। टू डू बैक सीट ड्राइविंग, है ना, मतलब बैक सीट ड्राइविंग मतलब पीछे से तुम बैठ के किसी को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करना, मतलब फ्रंट फेसिंग कोई और है पर कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ में। तो ये टू प्ले सेकेंड फिडल, ये तो बहुत ही सब बहुत ही प्रिडिक्टेबल से आंसर्स हैं, ये सब तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं, बताओ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस बहुत ही प्रिडिक्टेबल है सब कुछ। चलो ठीक है, आ जाओ, क्या हो जाएगा, ठीक है। टू प्ले एज सेकेंड फिडल मतलब क्या, टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के व्यू को, उसके विचार को, उसके रोल को क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है। टू बेग द क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, टू बेग द क्वेश्चन मतलब रिक्वेस्ट करना क्वेश्चन को, है ना। सो टू रिफर टू, किसी को कोई चीज रेफर करना, बताना। टू टू टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसी ग्रांटेड हल्के में ले लेना। टू रेज ऑब्जेक्शन, किसी पे ऑब्जेक्शन मतलब क्या कि ऑब्जेक्शन कहते हैं ना, जैसे कि ऑब्जेक्शन उठाना, मतलब क्या है कहने का कि पॉइंट आउट कर रहे हो उस चीज को। टू बी डिस्कस्ड, डिस्कस करना, या नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं, क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। टू बैक द क्वेश्चन, टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी को एकदम ऐसे हल्के में ले लेना, ग्रांटेड ले लेना, ठीक है। ब्लैक शीप, अ ब्लैक शीप मतलब क्या, अनलकी पर्सन होना, या फिर लकी पर्सन, या फिर दुर्भाग्यवश पर्सन, भाग्यशाली पर्सन, या पर्सन, या फिर अगली पर्सन, है थोड़ा सा जो देखने में कम ठीक लगे। हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, है ना, ऐसा पर्सन जो कोई भी प्रॉफिट में हिस्सा ना ले, क्या हो जाएगा, ऐसा पार्टनर। बताओ क्या हो जाएगा,
नो आइडिया. चलो देखो, अब ब्लैक शीप, नन ऑफ दीज इसमें से. तो अगर ब्लैक शीप का आंसर इनमें से कुछ नहीं है तो फिर भैया आंसर है क्या? ब्लैक शीप का आंसर है क्या? अब ब्लैक शीप मीनिंग क्या होता है? कलंक. ठीक है, ब्लैक शीप इज अ कलंक, ऐसा पर्सन जो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी एम्बैरेसमेंट की तरह साबित हो, उसको कहते हैं हम ब्लैक शीप. ठीक, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये तो तुमने बहुत बार पढ़ लिया है मुझे लगता है. अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई तथ्य ना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक्टिव बंदा, वर्दी फेलो, काम का बंदा, या अनरीजनेबल पर्सन, मतलब जिसका कोई लॉजिक, कोई रीजन ही नहीं है. ठीक है, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब नन ऑफ दीज. तो मैन ऑफ स्ट्रॉ होता क्या है फिर, जल्दी से देखिए कौन बताता है. ये मैंने एक बार आपको वो पढ़ाया था, मीम्स के साथ एक इडियम फ्रेजेस पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने दिया था. देखो मैं बताती हूँ, एक्चुअली द करेक्ट आंसर शुड बी ए, ए ही होगा. मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है अ मैन विथ नो इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब वैल्यू, है ना, जो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ भी जो आए मुंह में वो बोलता है ना, बहुत उसकी बात का तवज्जो नहीं है. सो यहाँ पे ई नहीं होगा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर. हाँ जी बिल्कुल, जिसने भी ए दिया था उसने सही दिया था आंसर, जिन्होंने भी ए बोला था, जिन जिन बच्चों ने ए बोला उन सबने सही आंसर दिया है. ठीक है, देखो मेरा हमेशा से मानना है कि ईडियम फ्रेजेस हो गए. ठीक है, जैसे जैसे अगर हम जीएस की बात करें, जीके में, करंट अफेयर में बात करें, जीए में, तो यार द करंट अफेयर इज सच अ वास्ट टॉपिक दैट नोबडी कैन 100% एक्सेल इट, है ना. कोई, हम ये तो बोल सकते हैं कि वो फैकल्टी कि जो जीके के नोट्स हैं या करंट अफेयर के नोट्स हैं, उससे यार 10 क्वेश्चन आए हैं तो 8 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, बट हम ये नहीं कह सकते कि 10 के 10 उसी से आएंगे. क्यों? क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है कि नोबडी कैन एक्सेल. जो पढ़ा रहा है वो बंदा भी कुछ ना कुछ उससे भी शायद हो सकता है छूट जाए, क्योंकि हमें पता नहीं यार इतने सारे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पे आते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या न्यूज आ रही है, कहाँ क्या छूटी. ठीक, वैसे ही द सेम गोज विथ आपका वन वर्ड हो गया, एरर डिटेक्शन, ये वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आप चाह करके भी 100% एक्सेल नहीं कर सकता. ये अग्री हो सकता है, आप मुझसे भी 50 इडियम फ्रेज लाओ तो उसमें से 5-6 मुझे भी ना उस टाइम आ रहा हो सकता है, इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तब भी. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीजें होती है ना, बट वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट से कि भाई हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नहीं सब अच्छा है और सब आ रहा है और हम तो सब कर लेंगे. मतलब ये सोच के जाना अच्छा है, बट प्रैक्टिकली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो. तो देखो वन वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, वोकैबुलरी, ईडियम फ्रेजेस, ये सब आप रट नहीं सकते. कैन नॉट बी डिक्शनरी, यू कैन नॉट बी विकीपीडिया. आप रट रट के नहीं कि आप जो आंसर डालो कि गूगल पे सब आ जाएगा. ठीक है, आपको पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देखो हमेशा एक चीज याद रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा एग्जाम में काम आएगा. ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना एग्जाम में काम आएगा. मैथ का मैं हमेशा बोलती हूँ, मैथ का फॉर्मूला रट के मैथ तो नहीं आ जाती. वैसे इंग्लिश में बच्चे सिर्फ ग्रामर के पीछे भागते हैं. अरे उठा के देखो कि तुम्हारा जो एफ कैट का पेपर है, सीडीएस में तो मैं मानती हूँ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब एफ कैट उठा के तो देखो, उसमें देखो तो कि ग्रामर आनी भी है कि नहीं आनी, और आनी है तो कितने मार्क्स की आनी है. एफ कैट में जो मेन चीज रूल करेगा वो करेगा आपका वोकैबुलरी पोर्शन, आपका वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी ईडियम फ्रेज मिल सकते हैं, वोकैबुलरी मिल सकती है, क्लोज टेस्ट में भी मिल सकता है. वोकैबुलरी में तो मिलेगा ही, वन वर्ड ईडियम फ्रेज में तो टॉपिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे. मतलब कि यू नीड टू यू नो एक्सेल दीज फ्यू एरियाज इन योर एफ कैट एग्जामिनेशन, पहली बात ये. दूसरी चीज, अगर कुछ कर सकते हो तो बस इतना करो कि देखो यार 3 जनवरी से आपका एफ कैट का नया बैच भी शुरू हो रहा है. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में जो ऑलरेडी हमसे पढ़ते हैं बैचेस में. ठीक है, आप उनसे पूछो, आप खुद है ना सांस को क्या चाहो कर लेते, थोड़ी सी जांच है. मतलब जब आप बैच पे जाते हो तो आपको दिखता है डेमो वीडियोस लगी रहती है,
कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि भाई यहाँ अच्छा पढ़ाएंगे वहां बुरा पढ़ाएंगे, या वहां ज्यादा अच्छा पढ़ा देंगे यहाँ बुरा पढ़ाएंगे। भाई यहाँ पे भी आप हमारे स्टूडेंट्स हो, वहां पे भी हम स्टूडेंट्स हो, सब लोग बहुत मेहनत से दोनों जगह पढ़ाते हैं। यहाँ का कंटेंट हम वहां नहीं ले जाते, वहां का कंटेंट यहाँ नहीं लाते, क्योंकि अगर बच्चों को सेम ही कंटेंट पढ़ना है तो पेड लेने का और फिर यूट्यूब में कोई डिफरेंस तो क्या ही रह गया है ना। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा, मतलब कोई पढ़ाना नहीं चाहता, सब कोई पढ़ाना चाहता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक टाइम लिमिट हो जाती है यार, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, या मान लो इतनी इतनी देर का ही लेक्चर ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अब 2 घंटे में डेली FKT लेने लगूं तो जो पेड बैच वाले बच्चे हैं वो बेचारे परेशानी बोलेंगे, मैम हमने क्या किया था, हमने भी तो फीस दी थी है, हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। तो वही वाली बात हो जाती है। फिर वहां पे आपको इतनी सारी देखो डेली में क्या जो फ्री का कंटेंट है उसको तो कम से कम अवेल करना सीखो। डेली बेसिस पे आपके अड्डा क्या पे क्विज होती है, आप क्विजेस दिया करो, ठीक है। फिर डेली बेसिस पे आपको ऐसा कोई फैकल्टी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फैकल्टी है जो आप बोलो कि सर या मैम हमें ये क्वेश्चन पूछना है, लोग बोले कि अभी मार देंगे जब ठीक हो जाओगे, हम नहीं बताएंगे, ऐसा कोई फैकल्टी नहीं बोलता। आपको पता है सभी फैकल्टीज के कितने सारे यहाँ लेक्चर्स होते हैं, और 1 घंटे तुम्हें पढ़ाने के लिए कम से कम हमें 2 से 2.5 घंटे लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है उसकी स्लाइड बनाने के लिए, कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपके फैकल्टीज इतनी दिन भर में आपके लिए 12-14 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप तो कर ही सकते हो। फिर मैं मतलब आपको तो बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए ना, उससे हमसे भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका तो एग्जाम है, पढ़ाना तो फिर भी एक बार चलो एक पॉइंट पे पढ़ा दिया जाता है, बट यार पढ़ना तो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है ना। पढ़ा दे कोई कितना भी, क्या फर्क पड़ता है जब हम उसको हम ही उसको रिवाइज नहीं कर रहे। जैसे मान लो कि तुमने बोला मुझे मुझे शॉपिंग का बहुत क्रेज है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बहुत सारी ड्रेसेस लेके आ गई, बट विल दैट मेक एनी सेंस कि अगर हम उन ड्रेसेस को कैरी करके कहीं जा नहीं रहे हैं, और कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया है, अभी भगवान ना कहे अब लॉकडाउन हो, पड़ा मान लो अगर हो गया कभी पहले हो गया चलो ठीक है, अब वो ड्रेसेस तो रखी रह गई हैं, हम तो मतलब उनको क्या बनाई, हम तो उनको कहीं कैरी करके जा ही नहीं पाए। तो किसी भी चीज का यूज तभी है जब आप उसमें एफर्ट्स पुट कर रहे हो। पेड बैच जो है वो 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन करो, ये सोच के ज्वाइन करो कि यार कुछ अच्छा ही होना है, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है पेड बैच ज्वाइन करने की, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचो कि अरे हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जब भी कोई बुक खरीदते हो, बैच खरीदते हो, कुछ भी, जब आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो तो यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पे पैसा खर्च थोड़ी कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक बार सरकारी नौकरी होगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ कमाओ ना कमाओ 100 सल्यूट तो डेली दिन भर में कमा ही लिया करोगे कि नहीं कमा लोगे, 100 सल्यूट तो जरूर पड़ेंगे तुम्हें, समझ रहे हो कि नहीं। और जिस दिन वो सल्यूट पढ़ने लग गए, जिस दिन कंधे पे वो वर्दी चढ़ गई, उस दिन तो इतना कमाओगे कि फिर पूरी जिंदगी जब तक सांसें चलेंगी तब तक जिंदगी सुकून में चलेगी, तुम्हें कभी भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार तुमको इतना देगी, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिलता है। आपको पता है ऑफिसर कैडर में आप जानते हो कितनी फायदा है यार, मकान मिलता है रहने को, आप मकान नहीं लौट पाया तो उसके लिए उसके पैसे मिल जाते हैं आपको, खाने पीने का सब, मतलब खाने पीने में फ्रूट से लेकर के ड्राई फ्रूट तक, सब्जी, दूध, चावल, दाल तक, मसाले तक, सब कुछ मिलता है, सब कुछ, एक एक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। उसके बाद में आपको कितने सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, फिर आपकी पेट्रोल का पैसा मिलता है, आने जाने का पैसा, मतलब सरकार बस बोलती है तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हें हाथों हाथ लिए रहेंगे। अब इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है उसके बाद क्या चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत तो करी जा सकती है ना। तो 12, 13, 14 फरवरी को एग्जाम है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, सीरियस हो जाओ फटाफट से और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करो। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि जो बैच शुरू हो रहा है वो आप कैसे अवेल कर सकते हो, आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है ATA247.com, ऐसे लिख करके सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करोगे, स्क्रीन शेयर हुई है नहीं हुई है, हाँ हो गई है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखोगे, सर्च करोगे, यू विल गेट अ सर्च पेज लाइक दिस इन अ वाइल, थोड़ी देर रुक करके वेट करना तो आपको सर्च पेज मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे एक सर्च पेज मिल गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, इस सर्च पेज पे यहाँ पे आप जो भी, मान लो तुम्हें एफ कैट का बैच ज्वाइन करना है ना, तो तुम एफ कैट सर्च कर लो, एफ कैट सर्च किया, अब देखो अब एफ कैट में देखो सुपरसोनिक एफ कैट 1 2022 का बैच आ गया, ये रहा बैच, ठीक।
ये बैच कब से शुरू हो रहा है? 3 जनवरी से शुरू होगा। 3 जनवरी से सारी डिटेल्स दी हैं, सभी फैकल्टीज की डेमो वीडियोस भी लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, इनको वीडियोस लेक्चर्स देख लेना, सभी सब्जेक्ट बेसिक से कवर कराए जा रहे हैं। अब करना क्या है, व्यू ऑफर पे जाना। क्या करना, बाय नाउ नहीं, व्यू ऑफर पे जाओ, अपना ईमेल एड्रेस लगाओ और कूपन कोड क्या लगाओगे, Y277 और उसको कर दो अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे ना, आपको देखो कितना सारा डिस्काउंट मिल गया, मतलब 9000 का बैच सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में मिल गया। ठीक है, ये मेंशन कोड्स भी लगा सकते हो, बट इन सबसे कम डिस्काउंट मिलता है, Y277 ज्यादा डिस्काउंट देता है। यही सेम कूपन कोड जब आप अड्डा के ऐप पे जाके लगाते हो ना, तब और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप चाहो तो जैसे CDS का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। CDS लिखोगे तो अगर IMA की तैयारी करो IMA सेलेक्ट कर लेना, OTA की करो OTA कर लेना। मान लो जैसे मुझे फॉर एग्जांपल IMA में जाना है, मैंने IMA सेलेक्ट किया, ठीक है, OTA वाले बच्चे OTA कर लेंगे। ये कंफर्म है बैच 29 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी सारी डिटेल्स आपकी दी हुई है। यहाँ पे भी क्या करना है, आपको व्यू ऑफर पे चले जाना है, उसके बाद Y277 का कोड लगाना है और उसको कर देना है अप्लाई। ये जैसे ही अप्लाई हुआ भैया, 9000 का जो बैच था वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में आपको मिल गया। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब 2000 में बैच मिल गया और क्या चाहिए। तो अभी और यही Y277 का कोड अड्डा के ऐप पे एक कॉइन्स का ऑप्शन होता है, कॉइन्स को यूज करके फिर ये कोड लगाओगे ना, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा डिफेंस का महापैक है तो वो भी सर्च कर सकते हो। ऐसे डिफेंस लिखोगे तो देखो महापैक, ये डिफेंस महापैक देखने लगा, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक साल तक आपको जितने भी डिफेंस के बैचेस होते हैं, जैसे CDS हो गया, CRPF, CFPF, आर्मी टेरिटोर, लामी, नेवी, सेल एंट्री, MNX, उन सभी बैचेस की लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिविजन बैचेस सब मिल जाते हैं। इसके अलावा एक मतलब ऐसे नहीं करना पड़ता कि आप CDS का बैच लो फिर अलग से पेमेंट करो, FCAT करो, ये नहीं, एक बार महापैक लिया तो सब मिलेगा। फिर इसमें आपको ये 2427 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 450 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 107 ऑनलाइन बुक्स, 3 सेंटर की लाइव क्लासेस, इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं ना, और क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे भी क्या करो कि व्यू ऑफर पे जाओ, Y277 कोड लगाओ और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपका आपका डिस्काउंट आपका बैच आपके हाथों में है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लीज डोंट थिंक, देखो, और मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे ही पढ़ो या हम किसी से, आप जिससे दिल करे उससे पढ़ो, पर जिससे भी पढ़ो Have trust on that particular faculty, have trust on that particular channel. ये सोच के चलो कि ये पूरी मेहनत से ये बंदा सही पढ़ा रहा है और तुम पूरी मेहनत से सही पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स करते क्या है कि ना, थोड़ा सा इनसे पढ़ा, थोड़ा सा उनसे पढ़ा, थोड़ा सा उनसे पढ़ा, और सबके लिए जजमेंट बना लेते। दुनिया में सबसे ईजी काम क्या है, जजमेंट देना किसी को, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, सर खड़ूस है, वो मैम तो एकदम चिल्लाती रहती है, वो सर तो घोल के पिला देते। ये चीज सबसे आसान है इस दुनिया में, ठीक है। और मुश्किल क्या है, मुश्किल है कि मतलब हमें अपने राइट्स पता है, दिस इज गुड, बट वी शुड नो आवर ड्यूटीज ऑल्सो ना। अभी आज ही अभी थर्सडे फ्राइडे एक बैच की बात है, पेड बैच पढ़ा रही थी, उसमें मैंने एक बच्चे से, उसने मतलब बच्चे बता रहे थे मैम ऐसी कि मैम ये टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है। मैंने कहा देखो दो चीजें, पहली बात तो हमारे पास टॉपिक बचा है तो टाइम भी बचा है, अभी तो टाइम है ना, अभी तो बैच शुरू हुए एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते में कि दौड़ा के तो नहीं पढ़ा सकते, दौड़ा के पढ़ा देंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, है ना। तो हमें ये तो पता है कि हमारा ये टॉपिक बचा है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जितना हमें हमारे फैकल्टी ने पढ़ा दिया, अगर हमारा फैकल्टी उससे कुछ भी पूछ लेगा तो हम वो एक पूछेगा सवाल, हम उसका 4 तरीके से जवाब देने के लिए एकदम रेडी हों। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो दिस टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, ये जो बात है, ये जो थॉट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे ये कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसा वैसा नलायक कहीं कहाँ, बट अगर वहीं पे तुम्हारा जो गलती से सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब गलती से क्या हो ही जाएगा, तो यू विल फाइंड डबल नंबर ऑफ पीपल हु विल यू नो कीप शेयरिंग योर स्टोरीज, बोलेंगे अरे हमको पता था, ये ना बड़ा दिन भर घूमता था, तब भी लड़के में कुछ तो बात थी, बिटिया बहुत समझदार थी, है ना, हमको लगा था कुछ अच्छा करेगी। तो कहने का मतलब है कि रिव्यू चेंजेस विथ द सिचुएशन, लोगों की जो बात है, लोगों के जो रिव्यूज हैं, वो सिचुएशन को लेकर के, वो चीजों को लेकर के, वो परिस्थिति को लेकर के बदल जाता है। ठीक है, तो अभी तुम कौन सी वाली कैटेगरी में लाए करना चाहते हो, शर्मा जी का बेटा लायक है उसमें कि शर्मा जी का बेटा नलायक है उसमें? हाँ,
मुझे तो लगता है तुम लोग लायक हो, अच्छे हो। तो हमेशा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी आराम से बातचीत करिए थोड़ी देर से। देखो अभी अभी आज मैंने आज आई टुडे आई टुक यू नो अराउंड 7 to 10 minutes थोड़ा सा बातचीत के लिए, ठीक है? तो आराम से पढ़ते रहो, जब मन करे तो जरूर पढ़ो, और ना मन करे तो ठीक है, एक दिन नहीं मन कर रहा पढ़ने का, जाओ घूम के आओ, मूवी देख के आओ, कोई भी मूवी कुछ भी देख के आओ, घूम फिर के आओ, कुछ अच्छा खा पी के आओ, बट 4 घंटे घूमो चलेगा, बट फिर 2 घंटे ही पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो जो 4 घंटे घूम के आए ना, वो सारे का सारा आपका क्या हो जाए, सारे का सारा कवर हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं? एकदम सिंसियरिटी के साथ, ठीक? बस इसी के साथ आपसे अलविदा लूंगी, बाकी फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्लीज शेयर एंड लाइक द सेशन, एंड यस डों't फॉरगेट टू यूज द कोड Y277 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाय बाय, टेक केयर।